I meant during the World Cup. It's a great opportunity, jeta ami mone korchi, because it's 5 matches in a World Cup, including a semi-final. It's a great opportunity for Eden Gardens. Maybe it comes once in 100 years, because whatever we did previously, we had 2 matches or 3 matches. But this time, 5 matches, and all the matches are important matches. We have got Bangladesh-Pakistan, which is a very important match, because Bangladesh is a very good team in 50 overs or limited overs. We had England versus Pakistan, which is another outstanding match, because they are the champions, England. Then you have got South Africa, England, South Africa and India, and the semi-final. So I think all the matches are high-profile matches, and it's a challenging. इस बार नया क्या रहेगा, जिस तरह से आपने पूरा रिनोवेशन किया है, नया क्या है? क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी इस बार ईडन को देखते हुए वो भी चौकाचंद रह गए, और जो प्रिपरेशन आपने दिया है उससे बहुत खुश नजर आए। देखिए, इसका प्लान हम लोग खाली आज से नहीं बनाया, ये हम लोग करीबन 1-1.5 साल से बनाया है। इसके लिए जो डिजाइन हम लोग बनाए थे, वो हम लोग बहुत मेहनत से बनाया। हम लोग का जो डिजाइनर था, वो भी बहुत मेहनत से डिजाइन बनाया। बट हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज इट वॉज कोविड और मे बी फॉर एनी अदर रीजन, हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। बट एक तो टाइम आएगा जब आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर होस्टिंग वर्ल्ड कप। और ये इम्प्लीमेंट नहीं करने से मेरे को जो समझ में आता है, अगर ये हम लोग नहीं करता, हो सकता है हमको इतना बढ़िया मैच नहीं मिलता। बिकॉज ये वर्ल्ड कप इज एन इंटरनेशनल इवेंट, सभी चाहता है जे जहां पे मैच हो वो स्टेडियम कुछ अलग से हो। ईडन गार्डन्स तो है अलग, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड फेमस स्टेडियम। आज कोई भी प्लेयर को पूछिए, वो पहली नाम करेगा लॉर्ड्स, ईडन गार्डन्स, मेलबोर्न, सिडनी, ये सब ग्राउंड का। ये ड्रीम होता है ये ग्राउंड में खेलने का। सो इसीलिए हम लोग सोचा था, हम लोग कुछ बनाएंगे जो देख के सब चौंक जाएंगे। जैसे आप आज चौंक गया, 4 महीना पहले जो ईडन गार्डन्स विजिट किया और आज जो विजिट करेगा, ये हेलन एवन डिफरेंस है। ये खाली क्लब हाउस नहीं है, जो कॉरपोरेट बॉक्स है वो मैं बोल सकता हूँ, जो हम लोग का जो कॉरपोरेट बॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। इसके लिए हम लोग लास्ट 8 महीने से हम लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। आईपीएल का पहले हम लोग 16 बॉक्स पर कन्वर्ट किया था, रिनोवेट किया था। आईपीएल का बाद हम लोग बैलेंस जो 16 बॉक्स है उसको हम लोग रिनोवेट किया। हम लोग का क्लब हाउस में केबिन्स होता है, 16 सीटर केबिन्स, उसको भी हम लोग रिनोवेट किया। देन प्रेस बॉक्स, मीडिया सेंटर, सब कुछ हम लोग रिनोवेट किया। वॉशरूम्स को भी हम लोग रिनोवेट किया। बिकॉज वर्ल्ड कप ऐसा इवेंट है जो बार बार नहीं आता है, 12 साल में भी 20 साल में एक बार मौका मिलता है। जब मौका मिला है तो कुछ करके दिखा रहे हैं। तो सर, अगर हमने देखा कि जैसे ईडन का एंट्री करते ही पूरा इतिहास आपने सजाया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ईडन गार्डन्स इतना ओल्ड स्टेडियम है, इसमें इतिहास बहुत है। हम तो जो लगाया है वो तो हमको लगता है 20-25% ही लगाया है, बिकॉज इसमें देखिए हर जगह में कुछ न कुछ है। जैसे हम लोग का जो बंगाल कैप्टन्स है, उसके लिए एक अलग से पोर्शन हम लोग किया है। उसमें देखिए जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स है, यू कैन सी कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, इमरान खान, एलन बॉर्डर, जो 1987 में वर्ल्ड कप जीता है इंग्लैंड में, उसका भी सुंदर से फोटोग्राफ्स है। देन वी हैव गॉट द टू ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी क्रिकेटर्स ऑफ बंगाल, वन इज लेट मिस्टर पंकज रॉय एंड वन इज मिस्टर सौरभ गांगुली, उसका भी हम लोग पोर्ट्रेट दिया है। देन इफ यू गो टू दैट कॉन्फ्रेंस रूम, यू विल सी अ ह्यूज पोर्ट्रेट ऑफ लॉट ऑफ एक्शंस ऑफ झूलन गोस्वामी, बिकॉज शी इज एन आईकॉन एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम बंगाल। सो ये सब मिला जुला के हम लोग बहुत कुछ पुराना तस्वीरें और बहुत कुछ इमोशनल तस्वीरें जो कोई देखा नहीं है, लाइक नेल्सन मैंडेला विद मिस्टर लेट हमारा चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु, पिंक टेस्ट बॉल में इन द सेम फ्रेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड आवर चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी इन द सेम फ्रेम। सो लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफ हम लोग सर्च करके हम लोग इसको एक शेप दिया है। सो ये सब किया है बिकॉज यही मौका है कुछ बनाने का, बिकॉज जब कुछ नया बन रहा है उसके साथ कुछ फ्लेवर्स एड ऑन करो। सो दीज आर द ओल्ड फ्लेवर्स, वो हम लोग एड ऑन किया है।